अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और गुड मॉर्निंग। अभी मैं कुछ काम करने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या काम करने लगी हूं। और अभी हमारे पास कुछ सामान मौजूद है तो मैं आपको दिखाती हूं कि वो सामान कहां से आया है और मेरे पास कैसे पहुंचा है। ठीक है, तो मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास पड़ा है बहुत सारा सामान जो कि हमने शिप किया था जब हम लोग अमेरिका में थे। वो भी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो फाइनली वो हमारे पास पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बस हम अपना जो सामान है उसे निकाल के कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत कर रहे हैं। ये हमारे पास देखें ऑयल पड़ा है और बच्चों की मेडिसिन और सब जो चीज़ें हैं इस तरह की, और कुछ अपने जो स्पाइसेस जो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े से कभी मुश्किल मिलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक है, हाँ ये कड़ी पाउडर, ये आपको कभी भी यहाँ से नहीं मिलेगा। मैंने पूरा लाहौर जो घूम लिया इस पाउडर के पीछे, लेकिन मुझे ये नहीं मिला था। तो इसलिए मैंने फिर सोचा था कि मैं अपनी कुछ ग्रोसरी अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि कुछ सालों के लिए हम जो पाकिस्तान मूव हो रहे हैं तो मुझे मसला ना हो। जो मैं अपने खाने बनाती हूँ, मैं अपने स्पाइसिस के साथ अपने खाने मज़ेदार से मियाँ जी के लिए बनाऊँ, ताकि उन्हें कोई टेस्ट जो है वो डिफरेंट नहीं लगे। तो अभी और भी दो कटरें, अभी तो हमने ये खोला है तो थक गए हैं, अब और भी खोलते हैं और दिखाते हैं आपको उनमें से क्या निकलेगा। इसमें सारा ऑयल आ गया आपका? हाँ, इसमें ऑयल है और इसमें नुटेला बच्चों का आ गया है। नुटेला बच्चों का आ गया, ये देखें। और ये चाय की पत्ती, नुटेला चूर्ण, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं साथ लेके आई हूँ। मैं अपनी चाय की पत्ती भी इतनी मोटी मोटी, इतनी दानेदार पत्ती होती है कि क्या ये मज़ेदार सी चाय बनती है, तो इसलिए मैं वहीं से लेके आई हूँ। और जाहिर सी बात है ये जाती तो यहीं से है, लेकिन जो बहुत अच्छी क्वालिटी है ये बाहर भेज देते हैं, और जो बस जाती है वो फिर यहाँ पे सेल करते हैं। ये नुटेला इतना मज़े का है, ये देखें, ये मुझे मिला है $11 की, मुझे दो ये मिला है, इसमें दो पैकिंग है। अगर हम यहाँ से लेने के लिए जाएँ तो इतना महंगा मिलता है। और ये जो बोटल है ये भी प्लास्टिक की है, हाँ ये टेस्ट भी नहीं मिलता, और ये जो बोटल है ये प्लास्टिक की है, ये ग्लास की बोतल भी नहीं है। तो यहाँ से हम लेके आते हैं, वो ग्लास की बोतल में होता है और होती भी एक बोतल है उसकी प्राइस, और इन दो की प्राइस एक बराबर होती है। कॉस्को की शॉपिंग है, कॉस्को नहीं है पाकिस्तान में, तो कॉस्को की हमारी डिफरेंट है, तो कॉस्को शॉपिंग आती रहेगी हमारी एवरी मंथ। आपने कुछ एलर्जी की, हम वो एलर्जी की दवाई लेके आए हैं, बच्चों के लिए एलर्जी की दवाई लेके आए हैं, और इसके साथ साथ अपने लिए कोई टैलन और बुखार के लिए और विक्स लेके आए हैं। ये देखें कि कितनी अच्छी और कितनी बड़ी पैकिंग मिलती है वहाँ पे। जब मेरा बेबी नाथ पर्ड है मशक, माशाल्लाह नाथ पड़े मेरे बच्चे। और ये देखें कि ये जो सर्दियों में बच्चे बीमार होते हैं तो बड़ी ये हेल्पफुल होती है कि बच्चे फटाफट से ठीक हो जाते हैं। और ये बहुत सारे बच्चों के सिरप पड़े हैं, और ये हमारे ब्रश पड़े हैं दांत साफ करने के लिए, बहुत सारे मैं अपने कलेक्शन साथ ही उठा के ले आई हूँ। अब हम दूसरा डिब्बा खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे डिब्बे में क्या है। तो मैं आप इस तरह कर रही हूँ कि टेबल पे मैंने स्पाइसेस और किचन के हवाले से चीज़ें रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने मेडिसिन वगैरह रखी है जो कि लग रैक में जाएगी, और जो दूसरा डिब्बा खोलेंगे ऑयल जो लग निकाल के रखा है, सब चीज़ें पेस्ट यहाँ पे पड़ी है, पेस्ट भी जो लग ब्रश के साथ की जाएगी। तो सब चीज़ों को मैं पहले लग लग कर रही हूँ और उसके साथ फिर हम इन्हें करेंगे ऑर्गेनाइज। चलेंगे, ये खाली हो गया, इसे साइड पर करना पड़ेगा। इसमें और कुछ है? ये भी हमारे पास, और ये देखें ये जो है लौंग, अजवाइन, सब चीज़ें, और ये अनारदाना, सॉरी अनारदाना कह रही हूँ, सूखा धनिया, देखिए कितना साफ लग रहा है। ओके, इसके साथ ही यहाँ से और भी थोड़ा सामान है, ये कटिंग बोर्ड भी है हमारे पास, देखें कटिंग बोर्ड भी मैं अपना साथ लेके आई हूँ, ज़बरदस्त था। नाइफ सेट भी मैं साथ लेके आई हूँ, और कटिंग सेट भी अपना कटिंग बोर्ड भी मैं साथ लेके आई हूँ, ये वहाँ पर रखना पड़ेगा। और एक सेकंड के लिए मुझे अपना कैमरा रखना पड़ेगा यहाँ पे, और Thank you.
हाँ जी, तो ये जो हमने वहाँ से जब शिप किया था तो भी मैंने वीडियो दिखाई थी कि उसमें हम क्या कुछ पैक कर रहे हैं। अब जब मैं अनपैक कर रही हूँ तो भी मैं दिखा रही हूँ कि क्या कुछ हम साथ लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीज़ें हैं वो खैरियत से हमारे पास पहुँच गई। और एकदम से जब मुझे पता चला तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की चीज़ें हैं और हमारी अपनी यूज़ करने की चीज़ें हैं। तो मुझे ये फिक्र थी कि ऐसे ना हो कि कोई हमारी चीज़ें गुम जाए या हम तक पहुँचे नहीं। इतने मेहनत से मैंने वहाँ पर ये सारा काम किया। कोई भी चीज़ पैक करना बहुत मुश्किल होता है। नो बस नहीं वन कैन नो नो मिर्जा सॉरी। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं दूसरे डिब्बे भी खोल लूँ, फिर लाइव आके मैं फिर आपको सारा दिखाऊंगी कि क्या कुछ हम वहाँ से लेके आए हैं। क्योंकि अभी ये दूसरे जो कर्टन है ये खोलना थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। तो अब मैं पहले इन्हें खोलती हूँ, फिर सारा सामान जब निकाल लेंगे फिर आप लोग को दिखाऊंगी। और सॉरी आप लोग के मैसेज मैं नहीं पढ़ रही, तो फिर मैं पढ़ूंगी, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को लाइक फॉलो शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर लें।